सारे डिटेल सामने दिखे। मैडम जी, मैडम जी, पता है बहुत स्ट्रेंजली मेरे टाइम पे लारा दत्ता थी मेंटोर, और आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने मुझे पर्सनली जब उन्होंने देखा था बहुत पसंद आई थी। उन्होंने मुझे बस ये बोला था अपना कॉन्फिडेंस जो है उसी को बरकरार रखना, चाहे और ऊपर जाना नीचे मत आने देगा। तो मैं सब लड़कियों को ये बोलूँगी कि आप जो भी करें कॉन्फिडेंस से करें, बिकॉज वो जो है वो अलग ही दिखता है, वो जजेस को भी दिखता है, वो ऑडियंस को भी दिखता है, वो आपकी फोटोग्राफ्स और आपके हर नेचर में दिखता है। फिर हाय हेलो हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि अभी तक हम काम में ही, वो भी अपने काम में बिजी है, मैं भी। बट जैसे मैंने बोला, लारा को मैं तब से जानती हूँ, सो इट्स ऑलवेज गुड टू सी हर। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, मगर जैसे मैंने बोला, मैं उन्हें बस यही एक राय देना चाहूँगी कि प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहो एंड दुनिया के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो एक चीज़ जो मुझे लगता है आज की जनरेशन में हर एक में मिसिंग है। उन्हें पता ही नहीं है कि इंटरनेट एंड सेल्फी और कार्डाशियन फैमिली के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें पता नहीं है। तो आई थिंक आप वो जाने तो वो बेटर है। यू नो, जो बड़े से बड़े जो ट्रेनर्स हैं ना, जो वर्कआउट कराते हैं, वो एक ही चीज़ हमेशा आपको सिखाते हैं कि 80% डाइट है, 20% वर्कआउट है। तो मैं बोलूँ कि अपने डाइट अच्छा रखिए, पानी खूब पीजिए, वैसी गर्मी इतनी बहुत है, पानी खूब पीजिए, खाना हेल्दी और अच्छा खाइए, हैव 6 meals a day एंड वर्कआउट कंटिन्यू फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बिकॉज बीइंग हेल्दी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक तो आजकल लड़कियाँ सब क्रैश कोर्स पे जाती है डाइट पे, एकदम से इतनी पतली हो जाती है, देन वो इतना खाने लगेंगी या थोड़ा सा भी खाएंगी तो बॉडी ऊपर नीचे जाती है। तो मैं वैसे बोलूँगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ समथिंग जो ताज ज़िंदगी हमें मेंटेन करना चाहिए। तो दैट्स ऑल आई विल से, जस्ट मेंटेन अ गुड हैप्पी हेल्दी फूड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। नहीं तब मैंने टाइम पास के लिए आई थी मैं मिस इंडिया में, क्योंकि मेरे स्टडीज़ के बीच में रिजल्ट आने में टाइम था, मेरा फोकस पूरा वो था। तो यादें बस ये है कि अब लड़कियाँ ज़्यादा फोकस्ड हैं, उन्हें पता है उन्हें यही चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन मुझे तो खैर, आई वॉज गोइंग बैक टू माई स्टडी, सो आई डोंट नो। हैप्पी दिवाली, प्लीज़ 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 आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, पटाखे मत जलाइए, आप बहुत पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, खासकर जो जानवर है सड़क पे आप उनका सोचिए, क्योंकि वो बहुत डरते भी हैं और उनके लिए बहुत एयर बहुत पोल्यूटेड हो जाती है। तो प्लीज़ हैव अ हैप्पी दिवाली, दिए जलाइए, कैंडल्स जलाइए, प्लीज़ प्लीज़ भगवान के लिए और जानवरों के लिए और अपने लिए कोई भी पटाखे मत जलाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सेंटर, थैंक यू सर, सर 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 साथ में।